क्या कर रही हो तुम? चूल्हा जला, दिख नहीं रहा आपको? मैं रेडियो लगा रही हूँ। रेडियो लगाना नहीं होता, रेडियो ऑन करना होता। अब इसमें भी प्रॉब्लम है। तुम्हारी नजर क्यों खफा हो गई, खता बख्श दो कर खता हो गई। फिल्मी गाने इन्हीं की वजह से लड़कियों का दिमाग खराब हो जाता है। हीरोइन रूठती है और हीरो उसे मनाने के लिए पीछे पीछे गाना गाता फिरता है, जैसे लड़कों को और कोई काम ही नहीं। जिसकी गलती होगी वही मनाएगा ना। हाँ, और वैसे भी हमेशा लड़कों की गलती होती है। और वैसे भी गाना गा के मनाना हर किसी के बस की बात नहीं है। कुछ लोग तो इतना बेसुरा गाते हैं कि मतलब किसी का मूड भी अच्छा होना होगा ना, उनका गाना सुन के मूड खराब हो जाएगा। फूलों का तारों का सबका कहना है, एक हजारों में मेरी बहना है। इतना भी बुरा नहीं गाता मैं। Actually, I'm pretty good singer. बिल्कुल सुना है मैंने, सुना है मैंने। चलो कोई बात नहीं, सिंगर भले ही सही, आप जासूस बड़े खिड़की तोड़ हैं। उस बात को छोड़ क्यों नहीं देती? आपने छोड़ा था, आप भी गए थे ना अनाथ आश्रम। शिवाय मुझे लगता है आपके दिमाग में ना कुछ गड़बड़ है। नहीं, आपके दिमाग के पेच ही ढीले हैं। नहीं, आपका मुझे लगता है दिमाग ही पूरी तरह हिला हुआ। एक छोटा बच्चा भी समझ सकता है कि चीजों और इंसानों में बहुत फर्क होता है, लेकिन नहीं, आपको चीजों की तरह इंसानों का भी वही करना होता है। क्या क्या बोलते हैं उसको, मुझे समझ क्वालिटी चेक। हाँ वही क्वालिटी, मतलब आपको भी पता है कि मैं किस बारे में बात करी। शिवाय जो बंदा जैसा है वो वैसा ही है और वो वैसा ही रहेगा, लेकिन नहीं, आपको उसके बारे में भी सब कुछ जानना है। जैसे लोग चीजें खरीदते वक्त पूछते ना कि कंपनी कौन सी है, तेल कितना खाएगी और एवरेज कितना देगी, वैसा आपका हाल ना इंसानों के मामले में कि नाम क्या है, खून किसका है, खानदान कैसा है और पता नहीं क्या क्या। शिवाय मुझे लग रहा था कि आप बदल चुके हैं, लेकिन मैं गलत थी। आप तो शिवाय सिंह ओबेरॉय हैं, आप कंजी आंखों वाले तड़ीबाज बांकड़ मिलने हैं जो कभी बदल ही नहीं सकता। कुछ भी कर लो कभी नहीं बदल सकता। ये समय मेरी आंखें बीच में कहां से? क्यों नहीं आ सकती? बात किसकी हो रही है? आप ही की बात हो रही है ना। हाँ तो आंखें भी आप ही की हैं कि मेरी हैं? आपको ना, आपको एक बीमारी है, इसका नाम है जानने की बीमारी। आपका नाम शिवाय सिंह ओबेरॉय नहीं होना चाहिए था, आपका नाम होना चाहिए था सर्च सिंह ओबेरॉय, क्योंकि आपको सब कुछ जानने की जो बीमारी है। अनिका, हम इस बारे में बात नहीं, बात बहस बहस कर चुके हैं, झगड़ा भी कर चुके हैं। I've told you, I just wanted to know. नहीं तो मैं कह रही हूँ कि आपको सब कुछ जानना होता है, आपको जानने की बीमारी है, यही मैं बोल रही हूँ। मैं हिंदी में बोल रही हूँ, आप इंग्लिश में बोल रहे हैं। एक जरूरी सूचना, पनवेल जेल से दो खतरनाक कैदी भाग गए हैं जिन्हें पुलिस ढूंढ रही है। अगर आपको अपने आसपास कोई संदिग्ध व्यक्ति, ए, ए, क्या, क्या कर रही हो तुम? सुनने दो मुझे। पुलिस स्टेशन को मैं बात कर रही हूँ ना, मैं वॉल्यूम कम कर रही हूँ ताकि बात कर सके, लेकिन आपको रेडियो में आपका सारा ध्यान है। जरूरी इन्फॉर्मेशन आ रही है, नहीं थी, चली गई तुम्हारी वजह से। क्या इन्फॉर्मेशन? यही इन्फॉर्मेशन होगी ना कि गीतकार कौन है, संगीतकार कौन है, लेकिन नहीं, आपको इसके बारे में भी सब कुछ जानना है। क्यों? क्योंकि आपको जानने की बीमारी है। एक काम करते हैं आप ना, आपके लिए मैं ये दवाई भी मंगवा लेती हूँ, क्योंकि इस चीज की दवाई भी आप खा लेंगे, क्या फर्क पड़ेगा? आप वैसे ही इतनी सारी दवाइयाँ खाते हैं, ये भी खा लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तुम प्लीज मेरे दवाइयों के पीछे मत पड़ो। आप मेरे बैकग्राउंड के पीछे पड़ सकते हैं, लेकिन मैं आपके दवाइयों के पीछे नहीं पड़ सकती। वाह, सब कुछ आप ही के हिसाब से तो होता है वैसे भी। कोई जवाब ही नहीं है। चुप बैठोगी थोड़ी देर? मतलब मन था, बोल भी नहीं सकता। शिवाय क्या कर रहे हैं आप? आराम से चलाइए, ये कार है, ये हेलीकॉप्टर नहीं है। चॉपर, चॉपर बोलते हैं, आई विश ही चॉपर होता। अच्छा, क्या करते हैं आप? मैं नीचे कूद जाता, अब मेरा पेशेंट जवाब दे चुका, आई कांट हैंडल दिस एनीमोर। ये धुआं कहां से निकल रहा है? सब तुम्हारी वजह से। मेरी गलती?
गाड़ी को जहाज आपने बनाया था, मैंने बनाया था। क्योंकि तो बोले जा रही थी हाँ? अब इंसान अपनी फ्रस्ट्रेशन कहीं तो निकालेगा ना, इसलिए मैंने स्पीड बढ़ा दी। हाँ तो गलती आपकी है, मेरी नहीं, नहीं है। गलती मेरी नहीं है, तुम मेरा पीछा करी। किसने मुझे कहा था कि गाड़ी में झगड़ा कर लेते हैं? हाँ तो क्या वो सड़क के बीचों बीच झगड़ा करता मैं? अभी क्या कर रहे, सड़क के बीचों बीच ही तो झगड़ा हो रहा है। पहले ये वाली प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते, क्योंकि तुम्हारे होते हुए तो झगड़ा कभी भी कर सकते नहीं। क्या करूं मैं? कीजिए कुछ। क्या कर रहे हैं? कोई फुटबॉल का ग्राउंड है ये जो फुटबॉल खेल रहे हैं आप? करो कुछ तुम। मुझे कुछ करना पड़ेगा, आपके बस की कुछ भी नहीं है। फोन भी अंदर। मानिका नहीं, पेट्रोल था। मैं मेरी गाड़ी को आग लगा दी। गलती हो गई मुझसे। इसे गलती नहीं, बेवकूफी कहते हैं। आपसे भी तो बेवकूफी हुई है। गाड़ी में लोग पानी रखते हैं, पेट्रोल नहीं रखते। जब ऐसी जगह जाना हो जहाँ गैस स्टेशन कम होना तो पेट्रोल रखना पड़ता है, इसलिए कहता हूँ इन्फॉर्मेशन होना जरूरी है। क्या फायदा हुआ ऐसी इन्फॉर्मेशन, इससे खुद को ही नुकसान होता। चुप चुप, मुझे सोचने दो, अब करना है। ओके, दिमाग मत लगाओ। आप ऐसे सोए ना, शिवाय सिंह ओबेरॉय, एक फोन घुमाए इसी रे हेलीकॉप्टर ऊपर से नीचे आ जाएगा। कीजिए कीजिए चले। ये कर, अगर मेरी बेवकूफ बीवी ने पेट्रोल डालकर मेरी गाड़ी को आग नहीं लगा दी होती जिसमें मेरा फोन पड़ा। आप इतने लापरवाह, फोन तो आपकी जेब में होना चाहिए था ना। इसमें भी मेरी गलती है ना? मेरी गलती? वैसे तो 24 घंटे आपका फोन ऐसे आपके साथ चिपक के रहता है, लेकिन जब जरूरत आई तो आपका फोन गाड़ी में उड़ गया। ना, मुझे नहीं पता था ना कि मेरी बीवी आज मेरी गाड़ी को आग लगा देगी। तो मुझे भी नहीं पता था कि उस डब्बे में पेट्रोल होगा, पानी नहीं होगा। ना पता चल गया ना कुछ, मेरे पीछे नहीं आती ना तो ये सब होता ही नहीं। अगर आप भी अनाथ आश्रम नहीं जाते ये झगड़ा नहीं होता, और फिर मैं आपके पीछे आती भी नहीं। इसलिए ये सारी गड़बड़ हो रही है क्योंकि पूरे रास्ते झगड़ते हुए हैं, एंड मुझे लगता है कि यूनिवर्स नहीं चाहता कि हम फाइट करें। और मुझे लगता है कि आपको टिया बेबी की बड़ी याद आ रही है, शिवाय बेबी, तभी आप यूनिवर्स यूनिवर्स कर रहे हैं। ये सारी सिचुएशन में टिया कहां से आ गई? मैं टिया को क्यों मिस करूं? तो कोई और हो सकती है। ओके, जस्ट चुप चुप करो। ओके, बहुत हो गया, तेरी हिम्मत ही, पेशेंस ही, सब खत्म हो गया। ओके, सोचने दो मुझे अभी यहां से निकलना कैसे, गाड़ी तो चली गई, फोन नहीं है, कैसे निकले? मेरे पास एक बहुत सॉलिड आइडिया है। तुम्हारे पास? मेरे पास? बोलना भी नहीं सुनना। बोलो। मेरी लाल चंपा, चलिए चलिए। हाँ, वही जो हमने 50 किलोमीटर पहले छोड़ दी। इतने झगड़े में तुम्हें याद ही नहीं आया होगा। हम इतनी दूर आ गए। बेटे की, मैं अपना फोन घर पे भूल आई। हो अनिका, तुम कितनी लापरवाह हो। आप ताने मारना बंद करेंगे, कुछ सोचिए, थोड़ी देर में अंधेरा होने वाला है। एक फोन मिल जाए ना तो मैं फोन करके हेल्प मांगूंगा। पर हम फोन कहाँ से करेंगे? ढूंढना पड़ेगा और उसके लिए चलना पड़ेगा। मेरा बेटा अनिका की माँ को ढूंढ रहा है, तुम्हें पता है ना तुम्हें क्या करना है।